this one. If you'll see, so this one is this one. मैंने आपको पहले बताया. What do you mean by scoliosis? That it is. It will have C or S shape. ठीक है. तो C and S shape आप देखेंगे. If you'll see the back side of the patient, then it will like S point. S. It is like S shape. All right. अगर आप दूसरे में देखेंगे, तो एक curve आ रहा है spine के ऊपर. ठीक है. These are the signs of scoliosis. अगर आप कोई भी patient अगर आप देखेंगे और इनकी बैक में इस तरह से अगर आपको शेप दिखती है, then definitely the patient is having scoliosis. This is the scoliotic spine, and this is, if you'll see in the like X-ray or MRI, the scoliosis spine will be tilt or it is curved, and this one is the normal spine. All right, then. Then here comes the this one, the partial this one is partial unilateral failure and formation of the wedge vertebrae. All right, agar aap dekhenge iske andar to jo inki coordination hai, it's not similar, and aap dekhenge isme beech mein jo vertebrae, it is slipped down. Then second one is complete unilateral failure of formation of hemivertebra. Isme jaise ki aap dekhenge ek normal jo स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें वर्टिब्रा के ऊपर एक वर्टिब्रा आता है, ठीक है, लेकिन इसमें कंप्लीट और यूनिलेटरल फेलियर होगा, ठीक है, और इसमें वन ऑन वन के ऊपर नहीं आएगा. देन यूनिलेटरल फेलियर ऑफ सेगमेंटेशन ऑफ कॉन्जेनाइटल बार. अगर आप देखेंगे तो इसमें जो कॉन्जेनाइटल जो आपकी ये बार दिख रही है आपको, इसमें देर इज नो सिमिलैरिटी और इसके सेगमेंट्स ही नहीं बने हैं. आप देखेंगे तो देर इज जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो कैविटी है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, that is attached with each other, and it इसमें unilateral होता है और इसके segment जो होते हैं वो नहीं बन पाते, ठीक है, that is the congenital bar. And then bilateral failure of segmentation. अगर आप देखेंगे तो इसमें bilateral, इसमें single lateral था, unilateral में single था, और bilateral में आपके पास पूरे के पूरे इसमें कोई segment नहीं बना होगा. Then what are the causes and risk factors? ठीक है, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स में आपके पास आते हैं. या कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स, तो द कॉज इज एक्चुअली इडियोपैथिक, बट मोस्ट कॉमन कॉज इट इज ग्रुप्ड बाय एन एज. इन चिल्ड्रन एज इज 3 एंड यंगर इन्फेंटाइल स्कोलियोसिस. इन किड्स एज 4 to 10 विल बी द जुवेनाइल स्कोलियोसिस, एंड इन ओल्डर kids or age that is 11 to 18, that is adolescent scoliosis. Most often it affects the girls, and curving generally gets worsened during a growth spurt. ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपके पास, जब भी इस तरह के आपके पेशेंट आपको मिलते हैं, तो आपको सबसे पहले इसमें देखने में यही मिलता है कि जो भी पेशेंट आपको मिलेगा, दैट पेशेंट वुड हैव सेगमेंट्स ऑफ सी, जैसे मैंने आपको बताया, यूनिलेटरल बायलेटरल इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे. मोस्ट ऑफनली ये गर्ल्स को जो है वो मतलब पेशेंट को गर्ल्स में देखने को मिलती है चीज. देन कॉन्जेनाइटल स्कोलियोसिस. कॉन्जेनाइटल स्कोलियोसिस इज दिस टाइप ऑफ स्कोलियोसिस इज प्रेजेंट एट बर्थ. इट अकर्स व्हेन द बेबीज रिब्स और स्पाइन बोन्स डू नॉट फॉर्म प्रॉपरली. Congenital scoliosis, नाम से पता लग रहा है कि at the time of the birth, if the patient is having this kind of scoliosis, definitely the baby's ribs or spine bones do not form properly. ठीक है. Then neuromuscular scoliosis. In the neuromuscular scoliosis, it is also a cause of nervous system problem that affects your muscles, such as cerebral palsy, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्पाइना बाइफिडा एंड पोलियो. तो न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस में क्या होता है आपके पास कि जब हमारे नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होती है जो कि इफेक्ट करती है मसल्स को, जैसे कि सेरिब्रल पाल्सी और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और स्पाइन बाइफिडा और पोलियो को, तो दीज आर ऑल द रिस्क फैक्टर्स. देन व्हाट शुड बी द सिम्टम्स ऑफ स्पाइनल कॉलम डिफॉर्मिटीज. यूजली सिम्टम्स नहीं होते हैं, बट जो थोड़े बहुत सिम्टम्स आते हैं वो आते हैं, लाइक बैक एक और लो बैक पेन होती है,
ठीक है, टाइड फीलिंग इन द स्पाइन आफ्टर सिटिंग फॉर स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग, अगर बैठ जाएं या खड़े हो जाएं ज्यादा टाइम के लिए तब ज्यादा पेन होता है, ठीक है। देन एक शोल्डर जो होता है वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये द शोल्डर विद वन शोल्डर मे बी हाई देन द अदर शोल्डर, देन स्पाइन कर्व्स, स्पाइन कर्व्स मोर देन मोर टू वन साइड, देन लाइक देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम। लाइक अगर हम डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में, तो हम पहले फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इफ देर इज एनी काइंड ऑफ विजुअल परसेप्शन कि उसके अंदर हमें दिख रहा है कि जो वन शोल्डर इज हायर देन द अदर, और द पेल्विस जो पेल्विस है वो टिल्ट है या नहीं है। फिर हम एक्सरे कर सकते हैं स्पाइन में, स्पाइन कर्व मेजरमेंट ले सकते हैं एंड एमआरआई कर सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। वी कैन यूज द स्कोलोमीटर एज वेल, स्कोलियोमीटर स्क्रीनिंग भी हम कर सकते हैं, उससे चेक करते हैं कि कितने डिग्रीज में बेंड है, ठीक है। एंड द ट्रीटमेंट फॉर ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन मेनी थिंग्स, बहुत तरह से ट्रीटमेंट डिपेंड करता है इस डिजीज का, लाइक द कॉज ऑफ स्कोलियोसिस क्या था, वेयर इज द कर्व, स्पाइन में कर्व कहाँ पे है, कितना बड़ा कर्व है, ठीक है, और बॉडी जो वो स्टिल बड़ी हो रही है, मतलब कि जो बॉडी है वो थोड़ा बड़ा हो रही है डे पर डे, डे बाय डे और नहीं, ठीक है। मोस्ट पीपल विद इडियोपैथिक स्कोलियोसिस डू नॉट नीड द ट्रीटमेंट, हाउ एवर शुड बी चेक्ड बाय अ डॉक्टर अबाउट एवरी 6 मंथ्स। तो हर किसी पेशेंट को है जो स्कोलियोसिस होता है तो उसका इडियोपैथिक ही कॉज होता है, ठीक है, लेकिन तब भी जो डॉक्टर होते हैं उनको हर 6 मंथ्स में पेशेंट को आप प्रिस्क्राइब करिए कि 6 महीने के अंदर जो है वो इनको चेक कराया जाए। इफ स्टिल ग्रोइंग, ठीक है, तो बैक ब्रेस दीजिए। अगर आपको लगता है कि पेशेंट जो है वो अभी बच्चा है और अभी भी इनकी हाइट बढ़ने वाली है, तो डेफिनेटली आपको जो है बैक ब्रेस देना चाहिए। बैक ब्रेस क्या करता है, आगे आने वाली जो कर्व्स और ज्यादा कर्व होगा उसको वो रोक देता है, ठीक है। देर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेसेस, बैक ब्रेसेस कैन बी एडजस्टेड एज यू ग्रो, और ऐसा नहीं है कि बैक ब्रेसेस जो है अलग अलग साइजेस के आते हैं, उसको आप एक साइज का था उसको किसी भी साइज में आप जो है पेशेंट को लगा सकते हैं। बैक ब्रेसेस वर्क बेस्ट इन द पीपल ओवर द एज ऑफ 10, मतलब 10 साल से जो ऊपर के बच्चे होते हैं उनके ऊपर सबसे अच्छा ये वर्क करता है। ब्रेसेस डू नॉट वर्क फॉर दोज विद कॉन्जेनाइटल और न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस, ठीक है। स्कोलियोसिस सर्जरी इन्वॉल्व करेक्टिंग द कर्व एज मच एज पॉसिबल। स्कोलियोसिस की जो सर्जरी होती है उसमें हम क्या करते हैं, जितना हो सके उतना उस स्कोलियोसिस को हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, जितना सीधा हो सके उतना सीधा कर सकते हैं उस कर्व को जितना हो पाए, ठीक है। तो स्पाइन आर हेल्ड इन द प्लेस विद वन अदर टू मेटल रॉड विच आर हेल्ड डाउन विद द हुक्स एंड स्क्रूज अंटिल द बोन हील्स टुगेदर। तो स्कोलियोसिस में हम क्या करते हैं, एक सर्जरी करते हैं, सर्जरी के अकॉर्डिंग क्या करना होता है हमें, सर्जरी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, लाइक हमें मैं आपको अगर एक वीडियो शो करता हूँ वो वीडियो आप देखिएगा अभी, हाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आवाज आ रही है आप लोग को? नो सर। एक मिनट रुकिए।
यस सर। This is basically used for you know the clearance of the spine. अगर आपकी then we have to perform this surgery. दोनों की पोजीशन बिल्कुल सेम रखनी होती है एंड उसके बाद हम इसको फिक्स करना शुरू करते हैं। कुछ समझ आया? एक और देख लीजिए।
वो मशीन से किया था, इसको इस तरह से हम सेट करते हैं। छोटा इस तरह से, लेकिन जब भी इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन की बहुत जरूरत पड़ती है, बिना नर्सिंग इंटरवेंशन के जो है आप इस चीज को नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि जब भी हम ये चीज का यूज करते हैं तो इसके अंदर बिल्कुल स्टेराइल ये प्रोसीजर होता है, एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन और जो हमारे पास ऑर्थोपेडिक सर, यहाँ ऑर्थोपेडिक सर्जन ये सर्जरी परफॉर्म करते हैं विद विद न्यूरो सर्जन के साथ कंबाइन करके, ठीक है। तो याद रखिएगा ये चीज कि किस तरह से हम इसको फॉलो करते हैं और किस तरह से हम यूज करते हैं, कैसे कैसे हमें ये चीजें करनी होती हैं, ठीक है। बाकी हम पढ़ेंगे कल, क्योंकि सिर्फ अभी स्पॉलियोसिस ही पढ़ा है हमने, ठीक है। तो हम इसके ऊपर और भी, हमारे पास प्रेजेंटेशन में हमारे पास 3 टाइप्स और पढ़ी हुई है अभी, ठीक है। तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए और थोड़ा सा नोट्स वगैरह बनाइए, और मुझे बताइए कि नोट्स बना रहे हैं आपके, नहीं बना रहे हो आप लोग नोट्स बना रहे हो? नहीं। यस सर। यस सर। यस ने बनाए हैं? यस सर बनाए हैं। वंशिका ने? आज ऐसे अटेंडेंस लेता हूँ। वंशिका बनाया है सर। अच्छा, प्रियंका ने भी बनाया है?